कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पूरे देश में उबाल है, गुस्सा है, आक्रोश है। सवाल वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब की तलाश है। इस बार सवाल ये है कि क्या डॉक्टर्स की कोई सुरक्षा नहीं है? धरती का भगवान जिसे कहा जाता है, अगर वही भगवान सुरक्षित नहीं है तो आम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? महिलाएं अगर अपने कार्य करने की जगह पर ही, जहां पर वो काम करती हैं, वहां पर ही सेफ नहीं है तो कहां पर सेफ रहेंगी? वो जूनियर डॉक्टर जो पूरे दिन के 48 घंटे, कभी 36 घंटे, कभी 32 घंटे, कभी 20 घंटे काम करते हैं, उन जूनियर डॉक्टर्स के लिए कोई सेफ्टी क्यों नहीं है? कहने के लिए सिर्फ एक बहुत छोटा शब्द है, ये जूनियर डॉक्टर। लेकिन क्या आपको पता है, यही जूनियर डॉक्टर अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। बड़े डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करना, पूरे रात भर पेशेंट के साथ रहना, छोटी छोटी चीजों को देखना, डॉक्टर्स को देना, जूनियर डॉक्टर्स का काम है। लेकिन इन जूनियर डॉक्टर्स को हल्के में लिया जा रहा है और अब जूनियर डॉक्टर्स ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। देश के अलग अलग राज्यों में जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। कई जगहों पर ओपीडी सेवाएं जो हैं वो ठप हो चुकी हैं, तो कहीं पर बार बार यही अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब नाराजगी दूर करिए, काम पर लौट आइए। लेकिन क्यों लौट आए भाई? क्या आप हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रहे हैं? और ये मांग लगातार जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है कि डॉक्टर्स के लिए वैसे भी कोई सेफ्टी नहीं होती है। कभी कोई डेड है या फिर किसी तरह की अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो जूनियर डॉक्टर को भेज दिया जाता है कि फैमिली के साथ आप डील करिए। लेकिन क्यों? सवाल तो यहीं खड़ा होता है। हालांकि कोलकाता में जो घटना हुई उससे वैसे तो वाकई में बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम हॉस्पिटल्स को आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि आपके हॉस्पिटल के किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ कुछ भी होता है तो 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो जानी चाहिए। अगर नहीं दर्ज होती है FIR तो जवाबदेही अस्पताल के डायरेक्टर की होगी, अस्पताल के प्रमुख की होगी कि आखिर क्यों अब तक FIR दर्ज नहीं हुई, इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि अब देखना होगा कि इस आदेश को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। पूरा देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर कोलकाता की बेटी के साथ हैवानियत के पीछे कितने राक्षस थे। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 साल की जो ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। रेप और हत्या के आरोप में 33 साल के संजय राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ट्रेनी डॉक्टर का अस्पताल के अंदर गैंग रेप हुआ है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अस्पताल में भीड़ भेजने के पीछे कोई बड़ी साजिश है, या सबूत मिटाने के नियत से अस्पताल में धावा बोला गया था। कोलकाता कांड की इस गुत्थी में ऐसे कई राज हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने संजय राय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है और फिलहाल वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। संजय 2019 से कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था, इसीलिए क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था वो। संजय राय के बारे में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि उसने 4 शादियां की थी। इससे पहले जो 3 शादी हुई थी उसकी बीवी छोड़कर उसे चली गई थी, उसकी इसी तरह की बर्बरता और इस तरह के जो ब्रूटल बिहेवियर है इन वजहों से। लेकिन जो उसकी चौथी बीवी थी उसे कुछ बीमारी हो गई और उसकी मौत हो गई, कहा जा रहा है। संजय की अगर बात करें तो कहा यह भी जाता है कि संजय पॉर्न वीडियोज बहुत ज्यादा फोन में देखा करता था और जिस दिन जूनियर डॉक्टर का रेप और उसने हत्या की उसके ठीक कुछ दिन पहले ही वो रेड लाइट एरिया से आया था, उसके दोस्त ऐसा कहते हैं, और तब जाकर ये पूरी घटना जो है सामने आई है, अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में संजय राय को घटना के दिन सुबह 4 बजे के करीब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में एंट्री करते हुए देखा गया। उसने गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस पहन रखी थी, हालांकि
40 मिनट बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला तो ईयरफोन गायब था, ईयरफोन नहीं था उसके पास। पुलिस को पीड़ित डॉक्टर की डेड बॉडी के पास से उसी ब्लूटूथ डिवाइस का एक पार्ट मिला। जांच में यह पता चला कि डिवाइस संजय राय के मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। इस तरह पुलिस को इस विभत्स वारदात के साथ संजय राय का लिंक मिला और तब जाकर संजय राय को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने कबूला कि हाँ वही था जिसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ संजय राय ही था उस दिन वहां पर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आए हैं उससे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो थोड़ा इंतजार करना होगा और सच्चाई सामने आएगी। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी अपनी मांगे हैं। पहला तो उनका यही कहना है कि सुरक्षा हमें मिले। दूसरा जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। 31 साल की जूनियर डॉक्टर जो उनके बीच अब नहीं रही, उसे न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि सरकार की तरफ से एक एक्ट जो बनाया गया है उसको लागू किया जाए और ये सुनिश्चित की जाए कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या रोड मैप केंद्र सरकार के पास है। और इसी मांग को लेकर डॉक्टर्स अब प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं। लेकिन हम और आप एक ही सवाल में उलझे हुए हैं कि क्या वाकई इस बार 31 साल की जूनियर डॉक्टर को न्याय मिलेगा। हालांकि जांच के बाद ही सब कुछ और भी सामने आएगा।